इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी जाएंगे, बराबर ही पड़ेगा 7 8। अब देखिए किस किस कार्बन को हमने नंबरिंग नहीं दी, इसको नहीं दी है, इसको नहीं दी है, इसको और इसको, तो ये बन गए हमारे एल्काइल ग्रुप। लेकिन इधर से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो देखिए ये वाला एल्काइल ग्रुप जो पहला पड़ा वो चौथे कार्बन पर पड़ा है। अगर मान लीजिए हम लोग काउंट करते हैं इसको इस साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला एल्काइल ग्रुप जो पड़ रहा है इसमें वो पड़ रहा है तीसरे कार्बन पर, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, यानी इधर से हम लोग काउंट करेंगे। अब देखिए 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्ट, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो नाम क्लास में हम लोग क्या जोड़ देने वाले हैं, एन, इसके नाम क्लास में आ जाएगा एन, यानी ऑक्टेन हो गया। अभी देखिए एल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक ये हमारा ग्रुप है, तो CH3 को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, मिथाइल, ठीक है, एक कार्बन है तो मिथाइल हो गया ये। और ये CH2 CH3 दो हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एथाइल, दो कार्बन को एथ, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है इसलिए एथाइल कहेंगे। अब ये वाला एक ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा और 3 कार्बन है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग इसको नाम लिखेंगे, तो नाम देखिए इतने सारे प्रीफिक्स, इतने सबसे सारे हमें पहले लिखने हैं, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ABCD में पहले कौन आता है, तो पहले ई, फिर आई, फिर एम, इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो ई वाला जो हमारा एथाइल ग्रुप वो कहाँ पे लगा, छठे पे लगा, और छठे नहीं सॉरी तीसरे पे लगा हुआ है, और कितने एथाइल ग्रुप है हमारे, 2 एथाइल हैं, दोनों तीसरे पे लगे हुए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3.3 कितने हैं, 2-2, यानी डाई एथाइल थाइल लिखेंगे हम लोग। फिर आइसोप्रोपाइल कहाँ पे लगा हुआ है, 5वें पे, तो हाइफन लगाएंगे 5, फिर हाइफन, संख्या और शब्द के बीच यानी नंबर वर्ड के बीच हाइफन रहता है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और मिथाइल कहाँ पे लगा हुआ, 4थे पे, 4-मिथाइल, 4, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऑक्टेन को, 4-मिथाइल, लास्ट में क्या लिख देते हैं, ऑक्टेन।